कुदरत ने, भगवान ने हमें जो भी दिया है, बहुत ज़रूरी है हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएं। अगर हम ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं तो हमें कुदरत और बख्शती है और देती है। पर अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं जो भी हमारे पास है, तो कुदरत कभी कभी वो भी हमसे छीन लेती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रैटिट्यूड दिखाएं हमारे पास जो भी है। जितने भी ट्रबल्स हैं हमारे लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो कहाँ ना कहाँ उस बच्ची ने इस बर्थ में या पास बर्थ में दूसरे बच्चों को चिढ़ाया है उनके कम मार्क्स के लिए। या फिर आप की बहुत अच्छी डिग्री आपको मिल गई है और आपको जॉब नहीं मिल रही है, सो कहीं ना कहीं आपने दूसरों से इतना काम करवाया है और उसके लिए उनको पैसे नहीं दिए हैं, या आपने किसी को नौकरी लेकर दे सकते थे, आपने नहीं लेकर दी है, तो इसकी वजह से ये जन्म में नौकरी का कष्ट आपके पास आया है। आप पैसे कमा रहे हैं लेकिन वो सेव नहीं हो रहे हैं, आपके खर्चे हो रहे हैं, सो कहीं ना कहीं आपने किसी के इनकम में ट्रबल डाला है। मे बी आपके ऑफिस के बाहर किसी की दुकान चल रही थी और आपने उनको तंग किया है, या उनसे आपने कमीशन्स मांगे हैं। आप मैरिजेबल एज के हैं या आपके बच्चे मैरिजेबल एज के हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो कहाँ ना कहाँ आपने किसी की शादी में, या आपके एल्डर्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने किसी की शादी में जाकर रुकावट पैदा की है। इसके लिए वो कष्ट आपके ऊपर आता है, आपके परिवार के ऊपर आता है। बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी हो गई है, कई बरस हो गए हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो शिव जी भी पार्वती जी को बताते हैं कि मैं उनको वो नक्षत्र देता हूँ जब वो बॉर्न होते हैं, और उस नक्षत्र से पता चलता है कि कौन सा कर्म इन्होंने किया है, इसलिए उसे बच्चे नहीं हो रहे हैं या इसलिए उन्हें कष्ट हो रहा है, अलग अलग प्रकार का कष्ट हो रहा है, तो उसके भी रेमेडीज़ हैं। अगर पास्ट बर्थ में आपने किसी जानवर के बच्चे को मारा है, तो ये जन्म में आपको बच्चा होने में प्रॉब्लम होता है या आपको बच्चों का सुख नहीं मिलता है, आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो मे बी पास्ट बर्थ में या ये जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जहाँ पर रोगी को कष्ट हुआ है, आपने उसके घर उसका हटा दिया है और वो बीमार था, तो इस तरह से दूसरों के बीमारी में उनको कष्ट देने से कहीं ना कहीं वो कष्ट हमारे ऊपर वापस आता है। आप बहुत आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपको वो लक्ष्य नहीं हासिल हो रहा है, आपको एनलाइटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको एक शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, आपको लग नहीं रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है, तो ऐसे में आपने कहाँ ना कहाँ किसी को आपके स्पिरिचुअल पावर से मिसगाइड किया है। इफ़ नॉट इन दिस बर्थ, मे बी लास्ट बर्थ आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु को हर्ट किया है, आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु की बुराई की है, तो इस तरह से इस अलग अलग प्रकार के पाप हम करते हैं और उसका भुगतान हमको ये जन्म में करना पड़ता है। नेचर हमें बहुत से मौके देती है अपनी गलतियों को सुधारने के, और मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी कि जैसे अगर आपने पास्ट में बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया है तो वो बुद्धि आपको आपके लाइफ में साथ नहीं देती है। आपने खाना किसी को नहीं खिलाया है तो ये जन्म में आपको खाने की बहुत तकलीफ होती है, आपको आपका मनपसंद खाना नहीं मिलता है खाने के लिए। आपने किसी को विद्या नहीं दी है, किसी को पढ़ाया नहीं है, तो ये जन्म में आपको बहुत एजुकेशन की तकलीफ़ होती है, आपको या तो पैसे नहीं होते हैं एजुकेशन के लिए, या तो वो माहौल नहीं मिलता है पढ़ाई करने का, या आपके फेवरेट कॉलेज स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलता है। आपने किसी की बेइज्जती की है तो ये जन्म में आपको भी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। आपने लास्ट बर्थ में किसी को कोर्ट केसेस में परेशान किया है, ये बर्थ में वो आपको कोर्ट केसेस के लिए परेशान करेंगे। आपका घर नहीं बन रहा है, आपने पास्ट बर्थ में या ये बर्थ में किसी का घर बिगाड़ा है, किसी का घर तोड़ा है, तो ये बर्थ में आपको वो कष्ट सहना पड़ता है।
इसके बहुत सिंपल से रेमेडीज हैं। आपको किसी को कुछ देना नहीं होता है, ना ही पैसे खर्च करने होते हैं, ना ही आपको चैरिटी करनी होती है, ना आपको मंत्र चैंटिंग करना होता है। इसके सिंपल रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी राशि वाइज। आपकी जो भी राशि है, आपको सिर्फ उस सेक्टर में, उस पर्सन से आपको बहुत ही इमोशनल सपोर्ट देना है। तो आप अभी जानेंगे हम राशि वाइज आपको कहाँ आपको इमोशनल सपोर्ट करना है, ताकि आपके प्रॉब्लम्स लाइफ के जो हैं वो कम हो जाए। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जैसे राजा दशरथ, सब कुछ था उनके पास, फिर भी उनको बेटे से सुख नहीं मिला और बेटे की जुदाई उनको सहन करनी पड़ी। क्या रीजन था? रीजन ये था कि उन्होंने श्रावण के माता पिता को दुखी किया था, श्रावण को मार डाला था और माता पिता ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम भी पुत्र के विछोड़े में मरोगे। तो सब कुछ होते हुए भी, राजा होते हुए भी उन्हें दुख सहना पड़ा था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में उन्होंने नेगेटिव कर्मास किए थे। अब राम भगवान ने तो कुछ नेगेटिव कर्म नहीं किए थे, पर क्योंकि पिताजी ने किए थे, इसीलिए राम जी को भी सहना पड़ा। उन्हें भी महल छोड़कर, अपनी राजगद्दी छोड़कर उन्हें वनवास में जाना पड़ा। तो इस तरह से अगर आपने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं, आपके बड़ों ने कुछ नेगेटिव कर्मास किए, आपके एंसेस्टर्स ने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं, तो उसका भुगतान कहीं ना कहीं हमें करना पड़ता है। और हमारे लाइफ में कहाँ ना कहाँ एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, चाइल्ड हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम राशि वाइज जानेंगे कि कहाँ हमें इमोशनल सपोर्ट देने से हमारे प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। एरीज राशि के लिए टैरो कार्ड रीडिंग से हमें पता चलेगा कि कहाँ पर आपको इमोशनल सपोर्ट देना है। इमोशनल सपोर्ट देने का मीनिंग है आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, और इमोशनल सपोर्ट का मीनिंग है कि आपने जो भी पास्ट में उनके साथ मिसबिहेव किया है, तो उसके लिए आपको उनसे क्षमा मांगनी है। सो एरीज राशि के लिए टैरो कार्ड से चेक कर रहे हैं कि क्या उन्हें करना है। एरीज राशि के जो लोग हैं वो बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं, बहुत बिना सोच समझ कर वो कुछ डिसीशंस लेते हैं, और बिना सोच समझ कर आपकी आदत होती है किसी के ऊपर हाथ उठाने की, वॉयलेंट होने की। तो आपको आपके आदत को चेंज करना है, स्लोली स्लोली खुद को इम्प्रूव करना है। और यहाँ पर हम टैरो से चेक कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा कर्मा आप कर सकते हैं जिससे आपके लाइफ के कष्ट जो हैं वो दूर हो जाए। यहाँ पर मुझे टैरो गाइड कर रहा है कि आपको जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो आपके करियर को लेकर है, एरीज राशि। सो एरीज राशि वालों को ऑन साइट भी जाना है, आपका ऑन साइट रुका हुआ है, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं और वो नहीं हो रहा है, आपके वीज़ा का काम कहीं ना कहीं रुका हुआ है, आपका इंटरनेशनल बिजनेस कहीं ना कहीं रुका हुआ है। अगर आप बिजनेस में हैं, आप कहीं से अब्रॉड से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो पैसा आपके पास नहीं आ रहा है। और अगर करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चों का सुख आपको नहीं मिल रहा है, तो ये दो कष्ट आपके लाइफ में हो सकते हैं। तीसरा, आपको वो पब्लिक में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जो आपको मिलनी चाहिए थी। तो टैरो आपको गाइड कर रहा है कि आपको इसका सल्यूशन कैसे मिलेगा। आपको आपके पिताजी के साथ एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड बनाना है। आपको पास्ट के जितने भी एपिसोड हुए हैं आप दोनों के बीच में, नेगेटिव जो भी एपिसोड्स हुए हैं, उनको कम्प्लीटली भूल जाना है और एक फ्रेश स्टार्ट करना है,
क्योंकि आपके पिताजी आपसे बड़े हैं, आपको जाकर उनसे माफ़ी मांगना है, भले आपको लगता है गलती उनकी थी। द मोमेंट आप आपके पिताजी को इमोशनल सपोर्ट देते हैं, अगर वो दूर रहते हैं तो आप उनसे फ़ोन पे बात कीजिए और एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड आप दोनों के बीच में बनाइए, एक फ्रेंडशिप बनाइए आप दोनों के बीच में। पिताजी अगर नहीं है तो पिताजी के प्लेस पर जैसे चाचा होते हैं, कजिन्स होते हैं, कोई कोई केस में सेकंड फादर, स्टेप फादर भी हो सकता है, तो उनके साथ भी आप अच्छा रिलेशन बनाइए। उनके ब्लेसिंग से आपका करियर बहुत अच्छा होगा, उनके ब्लेसिंग से आपका आपको बच्चों का सुख मिलेगा, उनके ब्लेसिंग से आपका जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में वो अच्छा होगा। गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ इशू है आपकी लाइफ में, वो भी पिताजी के ब्लेसिंग से ही सॉल्व होगा। और पिताजी की उम्र के जितने भी आपके नॉन पीपल हैं आपके लाइफ में, उनके साथ आप रिस्पेक्ट से बात करें। अगर पास्ट में आपने किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट से बात किया है तो उन्हें फ़ोन करके उनसे अपोलोजाइज करें, तो इससे आपके जो सिन हैं, पास्ट बर्थ के जो सिन हैं, वो चेंज हो जाते हैं। कहते हैं कि यू कैन चेंज योर साइन बट यू कैन नॉट चेंज योर सिन। आप आपकी राशि बदल सकते हैं अलग अलग नाम चेंज करके, और पर आपके जो पाप हैं वो सेम रहेंगे। आप चाहे आपकी राशि चेंज कर लें, आप नाम चेंज कर लें, स्पेलिंग्स चेंज कर लें, पर आपके पाप जो है वो सेम रहते हैं। तो ये सब रेमेडीज करने से पिताजी के साथ अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग और पिताजी के लिए एक सपोर्ट बनिए। अगर पिताजी के साथ आपके रिलेशंस ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं और आपको लगता है कि बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्ड है, तो सेकेंड आता है आपका एम्प्लॉयर, आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर, आपके पास के एम्प्लॉयर्स, उन सबको आप एक ईमेल लिखिए कि उनकी वजह से आज आप इस पोजीशन पर हैं। दो आपको लगता है कि उनका कुछ श्रेय नहीं है, पर कहीं ना कहीं कुछ तो आपने उनसे सीखा है, नोइंगली अननोइंगली। तो जो आपके पास्ट एम्प्लॉयर हैं उनको भी ग्रैटिट्यूड दिखाएं और उनसे क्षमा मांगे अगर पास्ट में आपने कुछ नेगेटिव किया है। और थर्ड होता है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, अगर पास्ट में कहाँ पर आपने उनके साथ डिसरिस्पेक्ट से बात की है, आपको कोई एपिसोड ऐसे याद आता है, तो आप उन्हें उनसे क्षमा मांगे, उनके साथ एक अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग बनाए। अगर वो बुजुर्ग हैं तो उनको आप बात करें और उन्हें एक इमोशनल सपोर्ट दें। इस तरह ये रेमेडीज करने से आपके जो पास्ट बर्थ नेगेटिव कर्मास है या दिस बर्थ में आपने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं जिसकी वजह से आपका करियर सफर हो रहा है, तो वो सफर होना कम हो जाएगा। आप अगर ये सब रेमेडीज करते हैं और आपको अच्छी रिजल्ट्स आते हैं तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो। काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द